हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। एनएलपी और हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और लोगों की बीमारियाँ अच्छी करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे शकीला स्वभाव, उसके बारे में। उसको बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपीडी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि इनका स्वभाव ही शकीला होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, इसको हम पागल नहीं कह सकते। या उनको कोई छोटी मोटी मानसिक बीमारी भी नहीं है, मगर ये डिसऑर्डर एक प्रकार की है। और इसको डिसऑर्डर मतलब एक तरह की बीमारी है। एक्चुअली बीमारी नहीं, तभी भी एक स्वभाव है वो। और स्वभाव शकीला होना यही एक बीमारी कहा जाता है। वैसे ये लोग काम धंधा अच्छा करते हैं, लोगों से मिलते तो मालूम नहीं पड़ता ऐसा कि उनको कोई बीमारी है, मगर कुछ तो भी गड़बड़ है ऐसा समझ सकता है कोई व्यक्ति कि ये लोगों में कुछ तो भी गड़बड़ है, स्वभाव में कुछ तो भी गड़बड़ है। जैसा कि ये लोग है ना, बहुत शक करते रहते, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि लोगों ने कोई भी कमेंट पास कर दिया तो उनको लगता है ये मेरे बारे में कमेंट है क्या, मेरे ऊपर वो उल्टा उल्टा कुछ बोल रहे हैं क्या, ऐसा कोई थोड़ी एम्बिगुअस कमेंट होंगी तो लगता है कि नहीं, मेरे बारे में कुछ तो भी उन्होंने कमेंट पास किया होगा। ये लोग अकेले अकेले ज़्यादा रहते हैं, फिर उनको कम दोस्त रहते हैं, ये बाहर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते। और लोगों के प्रति एक तो उनको द्वेष रहता है, गुस्सा रहता है, मत्सर रहता है, और वो जल्दी लोगों से घुल मिलते नहीं है। लोगों ने कुछ भी किया तो भी उनको लगता है कि नहीं, इसमें उनका कुछ तो भी इंटेंशन, इसमें कुछ तो भी इंटेंशन होगा या उद्देश्य होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो इसके कोई लक्षण जो है वो मैं आपको बताता हूं। लोगों से ये लोग सीधी बात नहीं करेंगे, उनको मतलब लोगों को अपने मन की बात खुल के नहीं बताएंगे। उनको लगता है कि ये लोग वफादार नहीं है, और यदि मैं किसके साथ में कुछ बात करूं जो मेरे दिमाग में मेरे पास में रखना चाहिए, किसको बता दूं, तो वो उसका कुछ तो भी गलत फ़ायदा उठा लेगा। फिर ये लोग ऐसा मैंने बताया कि झूठ बोलते हैं, तो वैसा लोग उनसे झूठ बोलते हैं ऐसा उनको लगता है, और लोग उनसे वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है ऐसा उनको लगता है। इनको इनके आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति हरदम कुछ ना कुछ शक आते रहता है। उनको पूछा कि भाई बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई प्रूफ है क्या, तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, और कभी ना कभी उनके मुंह से वो शक है ऐसी बातें निकलती रहती है। अभी एक तो मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, उसके मिसेस को लेके, उसके पत्नी को लेके आया था, तो उसको उसके पत्नी को मतलब यहाँ तक का वो शक नहीं, यहाँ तक का शक पहुँच गया है कि बोलती नहीं, ऐसा मुझे शक आता है कि मतलब इसके पति की और उसके माँ की कुछ ना कुछ मतलब संबंध है क्या। उसको पूछा कि लॉजिक है क्या, नहीं लॉजिक नहीं है, उसको पूरा मतलब ये है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, और उसको ऐसा विचार आते रहते कि ऐसा कुछ होता क्या करके, और उसको मालूम है कि ये गलत विचार है। और कभी कभी आता है, ऐसा भी नहीं कि वो बार 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 विचार आते, मगर ऐसा कभी कभी एक थॉट उसको आ जाता है। बाकी ये लोगों के थॉट्स जो है मतलब बाकी विचार एकदम अच्छे रहते हैं, बाकी वो काम धंधा करेंगे, काम पे जाएंगे, कमाई करेंगे, इनके मूड्स ठीक रहते हैं, मगर ये कभी कभी बहुत गुस्सा कर डालते। फिर कभी उनका ऐसे विचार आ गया और ऐसा कुछ लगा तो बहुत गुस्सा करते हैं, मतलब ये लोग कब गुस्सा करेंगे ऐसा बोल नहीं सकते। तुम तो उसको बोलते कि जरा शकीला स्वभाव है या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है। ये लोग अंडर स्ट्रेस, यदि तनाव आ गया उनको कुछ, और तनाव आने के बाद में ये पूरे पागल हो सकते हैं, मतलब पूरा साइकोटिक एपिसोड आ सकता है, मतलब तनाव ये सहन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बुखार आ गया या कोई फेल हो गया या कोई पैसा का नुकसान हो गया, पैसे का, तो उस समय वो फटाक से उनको कुछ तो भी साइकोसिस हो जाएगा, एकदम पागलपन का दौर आ सकता है, और बाकी फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब इस तरह का ये बीमारी है। तो ऐसा साइकोसिस करके बीमारी नहीं है, मतलब जैसा पागलपन की बीमारी नहीं है, मगर ये नॉर्मल भी नहीं है, ये ना नॉर्मल है ना साइकोटिक है, ये बीच में, इसलिए उनको कहा जाता है कि भाई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पीपीडी। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज वैसा कठिन है क्योंकि ये तो बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो एक तो स्वभाव का अंश बन गया, ये स्वभाव ही बन गया। अच्छा, उनको हम बोलते कि तुमको ये डिसऑर्डर है, तो एकदम वो गर्म हो जाते, उनको लगता कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया। तो उनके साथ में अच्छी बात करना, उनको गलत नहीं ठहराना, उनको ऐसे एक स्पेस देना कि जहाँ वो खुलेआम कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसे उनको एक स्पेस देना साइकेट्रिस्ट के पास में, और उनको धीरे 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 एहसास कर देना कि ये जो उनका स्वभाव है ये रोज़ के जीवन में कैसा बीच में आ रहा है और कैसा उनको जीवन जीने में तकलीफ दे रहा है, या जीवन जीना कैसा उनके लिए तकलीफ देह हो गया है। तो ऐसा काउंसलिंग करते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, मगर काउंसलिंग साइकोथेरेपी ये सबसे बेस्ट दवाई है। आपके आजू बाजू में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होगा और वो कहीं साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं होंगे, तो आप ज़रूर इनको ये वीडियो शेयर करो आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर, फेसबुक वॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप शेयर, ये व्हाट्सएप ग्रुप है उनके ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और कंसल्टेशन ले सके। हमारा उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और एडिक्शन फ्री इंडिया, हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना और उसकी क्षमता बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है और उद्देश्य के लिए हम काम करते हैं। आप जरूर भी आपका हाथ इसमें बटा, मतलब बटाओ, और जरूर हमको हेल्प करो। सो थैंक यू वेरी मच।